कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं, अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरी दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोरोना टीम को किस तरीके से डीएक्टिवेट करना है। अब मैंने जैसे ही कोरोना टीम को किस तरीके से डीएक्टिवेट करना है ये बोला तो बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देंगे कि, लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आप लोग को प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि यहाँ पे लाइव प्रूफ किस तरीके से मैंने अपने कोरोना टीम को डीएक्टिवेट करा हूँ। गाइज यहाँ पे यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनमें से कुछ सही वीडियो बताया गया है और कुछ वीडियो में पूरा फेक बताया गया है। फेक जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं गूगल न्यूज को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। गूगल न्यूज को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखना ये न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, ये कोड से आप लोग अपने कोरोना टीम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो *646*224# अब देखेंगे यहाँ पे हमारे कीपैड डायल पैड में जाएंगे और ये कोड को हम यहाँ पे डायल करेंगे *646*224#। एक बार देख लेते हैं कोड सही है। हाँ जी हाँ, कोड सही है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही कॉल करता हूँ, कॉल करने के बाद देख लीजिए कोड ये इनवैलिड बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी वीडियो भी जो है बनी है फेक वीडियो, यूट्यूब पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं जेन्युइन ट्रिक जो है वो बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को क्या करना है, माई जियो ऐप को यहाँ से सबसे पहले ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, आपके पास एक जियो ट्यून का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उस जियो ट्यून पे आप लोगों को गाइस क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी इसमें पहले से ही ये ऑन माय वे अलान वालकर का जियो ट्यून सिलेक्ट है, लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता दूं ये ट्यून मेरा नहीं चल रहा है अभी। यहाँ पे अगर आप लोग कॉल करेंगे या फिर कोई भी बंदे मुझे कॉल करता है तो कोरोना ट्यून यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोगों को सिंपल सा करना क्या है, आप लोगों को नीचे डीएक्टिवेट वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर गाइस जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यस पर आप लोगों को फिर से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नो सब्सक्रिप्शन, अगर कोरोना ट्यून आपके इसमें पहले से ही एक्टिवेट है तो ये यहाँ से हट जाएगा। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे कोरोना ट्यून एक्टिवेट ऐसा लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को गाइस। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो आप लोग को क्या करना है, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट और दूसरी प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूँ आपको दूसरी प्रोसेस क्या करना है। जैसे कि जो फर्स्ट यूजर होते हैं उनको करना ये है कि उनको जाना है यहाँ पे जियो ट्यून के अंदर इस तरीके से, और यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करना है उनको, ठीक है। सब्सक्राइब नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे जो आपको कॉलर ट्यून में सेट करना है, या फिर सर्च बार में सर्च करके आप अपना ट्यून को भी ला सकते हैं। लेकिन गाइस जो पहला सॉन्ग है पल पल दिल के पास, ये सॉन्ग को हमको अब सेट करना है। तो यहाँ पे प्ले करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज इसको अब आप लोगों को सेट कैसे करना है, तो सेट एज जियो ट्यून पर जैसे ही गाइज आप लोग क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करना देख लीजिए ये क्या बोल रहा है, जियो ट्यून सेट सक्सेसफुली, मुझे मैसेज भी आ गया है। ये मैसेज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैसेज आप लोग देख सकते हैं, फाइनली जो मेरा जियो ट्यून है वो एक्टिवेट हो गया है, अब कोरोना ट्यून डीएक्टिवेट हो गया है। तो पहली जो प्रोसेस बताया था, अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से लिया है तो फर्स्ट प्रोसेस जो बताया डीएक्टिवेट करके आप लोगों को इस तरीके से करना है, और जो फर्स्ट यूजर है जियो के, जो दूसरी प्रोसेस मैं आप लोग को बताया हूँ, तो डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। तो आपको इस तरीके से कोई सा भी कॉलर ट्यून को ऐड करना है, ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका जो कोरोना ट्यून है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मेरा होली सलाह से फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।